हमारे वीडियो हमारे आज शोल्डर वर्कआउट के ऊपर है कि हम घर पर ही रह के अपने शोल्डर कैसे ट्रेन करें, वो भी बिना किसी वेट के। और आप जैसे कि देख सकते हो अभी जिम भी क्लोज है, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में छोड़कर ना जाइए। जो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में देखो 2 डंबल है, ठीक है, एक हैवी वेट है काफी, ये होगा करीबन 3 किलो का, और ये है 2 किलो का। तो मैंने ये 3 किलो का इसलिए लिया है क्योंकि मैं एक साइड होल्ड करूंगा और दूसरे साइड से मैं साइड रेसेस करूंगा। इससे क्या है कि आपकी जो मसल टेंशन होगी, माइंड मसल कनेक्शन जो होगा मसल के साथ, तो वो बहुत अच्छे से फोकस होगा, और साथ में आप ये चीज करोगे तो और जल्दी मसल्स में आपके रिजल्ट आएंगे। एक साइड होल्ड करिए और दूसरी साइड रेप्स लगाइए साइड रेसेस के लिए, ठीक है। और जितना हो सके ना आप स्लो में परफॉर्म करिए अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आप ये जो साइड है इस साइड आपको होल्ड करके रखना, बिल्कुल हिलाना नहीं उस साइड, ठीक है। अगर आप लोगों के पास अगर ब्रेक हो या फिर कोई बैग वैग हो, स्कूल बैग्स, तो आप उससे भी ये चीज कर सकते। आप इस साइड होल्ड कीजिए और इस साइड से रैप्स लगाइए। तो गाइस आप इस साइड रेसेस के आप करीबन 3 से 4 साइड लगाइए, और साथ में इसके 18 से 20 रैप्स लगाइए। इससे क्या है आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा शोल्डर में। तो चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो गाइस हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हमारे फ्रंट रेजेस हैं। तो फ्रंट रेजेस के लिए आपको एक साइड आपको होल्ड कर लेना है हैंड पॉप ने, और दूसरी साइड ये चीज करनी है। और इसे जितना स्लो में रैप्स लगाइए उतना बेटर है आपके मसल्स के लिए, और उतनी जल्दी फर्क भी दिखेगा। और इसके लिए आप करीबन 3 से 4 सेट लगाइए और 18 से 20 रैप्स लगाइए इसको। और इस एक्सरसाइज को रेगुलर करिए जिससे आपके शोल्डर में भी बहुत फर्क दिखेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं लाना बिल्कुल, इसे होल्ड रख के फिर ये चीज, ठीक है। अब वैसे आपको लेफ्ट से होल्ड करना है और राइट से क्या मूवमेंट करनी है, जैसे कि ये लेफ्ट से होल्ड करा मैंने और राइट से मूवमेंट करनी है ये चीज, ठीक है। और जितना हो सके इसे भी स्लो में परफॉर्म करिए ताकि अच्छा फोकस पड़े हमारे शोल्डर पे। करीबन इसके भी गाइज आप 3 से 4 सेट लगाइए और 18 से 20 रैप्स। तो गाइज जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसके लिए मैंने अपने जो 3 किलो वाला वेट था वो मैंने एक्सचेंज कर लिया है 2 किलो से, क्योंकि अब हमें फ्रंट रेजेस करने हैं वो भी सामने की साइड से। तो आप ये चीज कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रेक या फिर कोई बैग वैग हो वो भी लेके आप ऐसे होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद लीजिए, ठीक है। ये और जितना हो सके उतना स्लो में रैप्स लगाइए इसके भी, करीबन इसके भी 18 से 20 रैप्स लगाइए 3 से 4 साइड। बहुत अच्छा पंप आएगा इससे शोल्डर के ऊपर। मैं साइड से दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारी जो लास्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चलते हैं उसकी तरफ, और वो जो है हमारी फ्लाइंग रेसेस है। उसके लिए भी आपको लाइट वेट लेना है, और पर ये चीज़ ध्यान में रखिए गाइस, जितना आप लाइट वेट यूज़ करोगे अपने शोल्डर के लिए बहुत अच्छा पंप आएगा, क्योंकि लाइट वेट से क्या हमारे शोल्डर की जो स्किन होती है वो हमारी बहुत ही लाइट होती है, और ज़्यादा हैवी वेट से करोगे तो इंजरी होने के चांसेज हैं। इसलिए मैं बहुत लाइट वेट लेके जब मैं आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैंने फिर से 2-2 किलो के लिए, मैं ज़्यादा हैवी लूँगा नहीं क्योंकि इंजरी होने के चांसेस होते हैं, और हम घर पे हैं कि घर पे भी है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना। बैग में भी आप थोड़ी सी बुक्स भी डालिए, ज़्यादा मत डालिए, ठीक है, जितना हो सके उतना कम। तो ये चीज़ लेने के बाद आप ये चीज़ कर लें फ्लैंक रेसेस। इसे भी आप जितना हो सके स्लो में रैप्स लगाइए इसके भी। इससे क्या आपके माइंड मसल कनेक्शन भी बना रहेगा, और साथ में आपके मसल्स भी अच्छे ट्रेन होंगे। इसके लिए गाइस आप 3 से 4 सेट लगाइए और 18 से 20 रैप्स लगाइए। तो बस आज की एक्सरसाइज ये थी, अब मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर होने लगे हो, ठीक है।